अच्छा तो मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। बच्चों सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमर यादव है, मैं प्रभा देवी बीएमसी सेकेंडरी स्कूल का शिक्षक हूँ। सभी को नमस्कार। आज का इतिहास का पीरियड मेरे मुझे दिया गया है, तो सभी को मेरा नमस्कार। और हम आगे पाठ दूसरा 1900 भारत 1960 की बात की घटनाओं का आज अध्ययन करेंगे। बच्चों तीन टॉपिक में आज पढ़ना है, मुझे तीन टॉपिक दिया गया है। 1960 का जो दशक है उस समय की घटना, 1970 और 1980। सर मेरी आवाज आ रही है बराबर? सर मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी 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 सर बराबर आ रही है। हाँ अच्छा, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? आवाज बराबर, सब बराबर है सर? ओके ना, धन्यवाद सर। तो तीन टॉपिक मुझे दिया गया है पढ़ाने के लिए बच्चों, 1960 की घटनाएं, 1970 की घटनाएं और 1980 की घटनाएं। बच्चों इसके पहले आप लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है वो इतिहास जो है तीन कालखंड है, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक। तो प्राचीन इतिहास आप लोग पढ़े, पहले पांचवी छठवी सातवीं में प्राचीन इतिहास दिया गया है। उसके बाद जो मध्ययुगीन कालखंड था उसे भी सातवीं और आठवीं में भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जो नौवीं का इतिहास है बच्चों वह आधुनिक कालखंड का है, आधुनिक कालखंड के समय का इतिहास है। और खासकर यह जो है 1950 की बात की घटनाओं का दिया गया है, जिसमें जब हमारा देश गणतंत्र हुआ उसके बाद की घटनाएं इस पाठ में दी गई हैं। और इतिहास जो है वह आधुनिक समय के इतिहास का अध्ययन जो है हम नाइन्थ में करेंगे, और उसके बाद जो टेंथ में होगा वह थोड़ा अलग होगा, उसमें प्राचीन इतिहास या इतिहास लेखन की जो पद्धति आदि याद वो भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी नाइन्थ का जो इतिहास है उसमें आधुनिक कालखंड के बारे में दिया गया है। तो तीन रूपों में जो इतिहास बचा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह सामने से तुम्हें इस बात क्लियर होनी चाहिए कि आधुनिक कालखंड का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक कालखंड मतलब वर्तमान समय चल रहा है, विगत पीछे 25 से 30 40 साल पहले जो घटनाएं घटी हैं वो उन घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे, और वर्तमान में भी लोग इसके गवाह हैं। अभी नाइन्थ का जो इतिहास पढ़ रहे हैं खासकर 1960 की बात की घटनाओं का, तो वर्तमान में हम इसकी गवाही भी दे सकते हैं जो घटनाएं घटी हैं, जो थोड़ा पहले आए होंगे, थोड़ा पहले जन्म लिए होंगे, जो हमसे 60 70 80 साल पहले हैं, मतलब तो 50 साल, तो उनके सामने की घटी घटनाएं हैं, तो इसको हम आधुनिक कालखंड का इतिहास कह सकते हैं। अभी हम अपने विषय की तरफ चलते हैं, पाठ दूसरा नौवीं की इतिहास की किताब में से पाठ दूसरा है 1960 के बाद की घटनाएं। बच्चों भारत देश जब गुलाम था, कई वर्षों 150 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद हमने आजादी को प्राप्त किया, बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए, उसके बाद हमें अथक संघर्ष के बीच 1947 में आजादी मिली, हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन किसी देश की आजादी सुचारू रूप से जब चलाने के लिए उसके लिए नियमबद्ध कानूनबद्ध सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो चूंकि भारत देश कई वर्षों से गुलाम था और गुलामी की जंजीरों के जब छुटी तो उसके बाद 1947 में हम आजाद हुए। आजादी के बाद पहला प्रश्न हमारे देश के सामने था कि देश को पहले किस व्यवस्था में चलाया जाए, क्योंकि विगत वर्षों में हमारा देश गुलाम भी था। अगर हम और उसके पीछे पहले चर्चा करें
तो हम खुद अपने आप में गुलाम थे। किस तरह हुआ था? सामाजिक, धार्मिक, देश, भेदभाव, कई अस्पृश्यता, कई तरह की बातें जो थी वह हमारे समक्ष थी। और हमें एक ऐसे लोकतंत्र का निर्माण करना था जहां पर सभी देशवासी, सभी नागरिक एक समान हो, कोई भेदभाव न हो, सब की व्यवस्था, सारी व्यवस्था देश की सुचारू रूप से चले और जनता को कहीं भी किसी प्रकार से किसी भेदभाव या किसी प्रकार की तकलीफ, जिसको कहते हैं वह शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में बच्चों, वह सामने सामना न करना पड़े। इसलिए आजादी के बाद सन 1950 में हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ, हम पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक हो गए। एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र जो है वह भारत देश बना। अब हमारे सामने आजादी के बाद बहुत बड़ी समस्याएं थी बच्चों। अभी स्क्रीन पे मैं दिखा भी रहा हूं कि 1960 के बाद की घटनाएं हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम विगत 1960 के पहले का देखें तो क्या हालात थे उस पे नजर डालना बहुत जरूरी है। किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले हमें जो है पीछे से शुरू करना पड़ता है। इसलिए शायद वो बातें मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लोग कोई कंटिन्यू सीरियल देखते हो तो सीरियल शुरू होने से पहले पीछे का थोड़ा बताता है कि पीछे क्या हुआ था, फिर उसके बाद वह मुख्य रूप से उस दिन के सीरियल, वह उस समय का सीरियल तुम्हारे सामने प्रसारित किया जाता है। तो 1960 के पहले क्या व्यवस्था थी, उसके बाद जब हम सुचारू रूप से चलने लगे तो कौन कौन सी घटनाएं हमारे सामने घटी। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 1950 में हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ, हम स्वतंत्र एक राष्ट्र, लोकतंत्र राष्ट्र जो हमारा बना 1950 में, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उस दिन से हम पूर्ण रूप से आजाद हुए। सब कुछ हमारा था, सब कुछ अपना था, हमारी आजादी थी, हमारा देश था, हम एक स्वतंत्र हवा में विचरण करने लगे थे 1950 से। और उसके साथ साथ हमें पूर्ण रूप से ऐसी जंजीरों से छुटकारा मिल गया था जहां शायद 1947 के बाद भी कहीं कहीं थोड़ा सा अंश उन अंग्रेजों का और ब्रिटिश शासन का दिखाई देता था। मसलन जैसे उनके जो बनाए गए कानून थे, उनके बनाए गए जो नियम थे, जो जिसके आधार पर वह यहाँ पर राज कर रहे थे, उनको सब समाप्त कर दिया गया और 1950 से पूर्ण रूप से हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ और हम खुली हवा में सांस, एक आजादी की खुली हवा जिसको बोलेंगे, उसमें सांस लेने लगे। तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ और 1950 से भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। परंतु बच्चों, अभी किसी देश की आजादी के बाद, या अगर हम भारत की आजादी की बात करें, हम भारत की आजादी की बात करें तो 150 वर्षों तक ब्रिटिश शासन था यहाँ पर और हम उनके गुलाम थे, उनकी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। जब हमें आजादी मिली उसके बाद हम पूरी तरह से हर क्षेत्र में पिछड़ चुके थे। अगर हम कहें जिसको कहा जाता है जीरो शून्य, गणित में पढ़ते होंगे कि जीरो, अब जीरो को आगे अगर एक लगाना होगा तो बहुत श्रम करना पड़ता है। उसी तरह से भारत देश के सामने जो समस्या थी वह समस्या थी भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, भारत को आगे ले जाना, भारत की हर समस्या को सुलझाना। क्योंकि आजादी के बाद हमें इन सारी चीजों की आवश्यकता थी। ब्रिटिश शासन ने सब विध्वंस कर दिया था, उजाड़ दिया था। हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे भारत देश विकसित हो।
चूंकि हमारा देश लोकतंत्र हो चुका था, अब यहाँ पे लोकतंत्र शासन प्रणाली चलाने के लिए हमें उस व्यवस्था में काम करना पड़ा। और धीरे धीरे जिस तरह अंग्रेज यहाँ पर लूट के गए, समाप्त करके गए, और भारत को फिर से एक दिशा में उभरने के लिए बहुत ही श्रम करना पड़ा, और लोकतंत्र की जब व्यवस्था बनी, लोकतंत्र की व्यवस्था बनने के बाद हमारे देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब हमारे सामने समस्याओं का तांता लगा था, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है, विविधता संपन्न है, और यहाँ पर कई धर्म लोग हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतवासी हैं। एक पीपीटी में शेयर करता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। भारत में विविधता में एकता, किसने भारत में विविधता में एकता है, फोटो एल्बम, उसके पहले का एक मैंने पीपीटी बनाया था, शायद मैं इसे शेयर नहीं किया बच्चों, मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें ये जो तीन टॉपिक है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ क्या क्या आज हम पढ़ेंगे। मैंने इसका भी पीपीटी बनाया था, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया। तो आज जो टॉपिक मिला है उसका पीपीटी है, 1900 हम जिसका अध्ययन करेंगे, 1960 की घटनाओं का, 1970 का दशक में कौन सी घटनाएं घटी, और 1980 के दशक में कौन सी घटनाएं घटी। अब देखो इन तीन कालखंडों में पहले से ही हमें जानना जरूरी है कि जो तीन कालखंड है उस कालखंड में हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, और कौन उस समय के उसके लिए खड़े थे, किन लोगों ने उसके उन समस्याओं का सामना किया। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि भारत की आजादी के बाद सबसे पहले इस कालखंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, फिर वर्ष 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी लाल बहादुर शास्त्री के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके ही पुत्र वर्ष 1984 में श्री राजीव गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये जो काल है, जो कालखंड है, तीन कालखंड है, उस कालखंड के का हम आज अध्ययन करेंगे। पूरा पाठ है लेकिन मुझे तीन एक कालखंड मिला हुआ है, इस तीन कालखंड का हमें अध्ययन करना है, 1960, 1970 और 1980। ये जो समय था, इस समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी, बहुत बच्चों बहुत महत्वपूर्ण काल था। भारत की आजादी के बाद भारत को विकसित करने में, भारत की समस्याओं को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण यह तीन काल था। और बहुत अच्छा टॉपिक मुझे दिया सर ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इस पे बहुत विस्तृत जो है चर्चा कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, आपसे पूछ सकता हूं। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सरल है, इसे समझना बहुत आसान है। अगर ध्यान से सुनेंगे आप लोग तो शायद, अगर अभी स्कूल खुला हुआ है, बहुत सारे बच्चों का पुस्तकें नहीं है, किताब नहीं है, या हो सकता है इतिहास की किताब आपके पास ना हो, लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग इतिहास की किताब प्राप्त कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और इन तीनों टॉपिक ऊपर आप अच्छे से स्वयं अध्ययन कर सकते हो। लेकिन अगर कहा जाता है कि कोई चीज शुरुआत में दिख जाए तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो वह समझ में आता है। तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, जैसे इतिहास है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है प्यारे बच्चों, कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन से विषय को पढ़ने जा रहे हो, क्या उसमें दिया गया है, पहले तुम्हारे सामने वो चीज आनी चाहिए दिमाग में और रहना चाहिए। और अगर वो सारी बातें हमारे दिमाग में हैं तो शायद वो टॉपिक
वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से जैसे जैसे हम बताते जाते हैं, जैसे जैसे शिक्षक बताते जाता है, उस तरह से धीरे धीरे वो सारी चीजें आप लोग के दिमाग में घर कर जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, और जब आप बुक के अध्ययन करते हो, किताब पढ़ते हो, तो उस समय वो सारी चीजें जो है सरलता से सुगमता से समझ में आती है, और फिर उसे बहुत ही सरलता से आप लोग अपनी परीक्षा में अपने उस परीक्षा के पन्नों पर उतार सकते हो, जिससे आपके अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं और आप जो है एक अच्छे नंबर से पास होते हो। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चों कि 1960 70 80 का जो दशक है हम उसका अध्ययन करेंगे। मैं शायद दो बार बता चुका हूँ या बीच बीच में बताऊंगा आप लोग को, मैं ध्यान आप लोग का उसमें केंद्रित करूंगा कि ये जो घटनाएं हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे हैं, वो जानना जरूरी है, वो समझना जरूरी है। मेरा बताना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों का समझना है, और अगर वो चीजें समझ नहीं आई तो आप बिना हिचक के कोई भी प्रश्न मुझसे आप लोग कर सकते हो, कोई भी चीज पूछ सकते हो, और सरलता से हम उसको समझेंगे, हम उसमें चर्चा करेंगे, हम उस पर बातें करेंगे। तो इन यह जो तीन कालखंड है, तीन घटनाएं वर्ष में जो घटनाएं घटी उसकी हम चर्चा करेंगे, 1960 की घटनाएं, फिर 1970 का दशक और 1980 का दशक। सबसे पहले हम 1960 का जो दशक है उसको चर्चा करेंगे। यदि अभी कोई कुछ पूछना चाहता है आप लोगों में पूछ सकता है, अन्यथा मैं आगे बढ़ूं। जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं इस इतिहास के लेक्चर को, यदि कोई प्रश्न अभी उनके मन में हो शुरुआत में ही, तो बोल सकते हैं, या उन्हें मेरी भाषा या जो मैं बोल रहा हूँ, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या मेरी भाषा में ही ऐसा लग रहा है कि कुछ सर और इसमें बदलाव करना चाहिए, तो मैं सरलता से सरलता की तरफ लाकर आप लोगों को समझाऊंगा, एकदम कोमलता की तरफ समझाऊंगा बच्चों। तो अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप लोग स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, बोल सकते हैं, अन्यथा हम अपने विषय की तरफ चले। अब हम 1960 की घटनाओं की चर्चा करेंगे, जो हमारे सामने समस्याएं थी हम उसकी चर्चा कर चुके हैं, वह बता भी चुका हूं, और मैं इस बात पे चर्चा कर रहा था कि भारत जो है एक विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ पे सभी भारतवासी हैं, सबका धर्म अलग है, लेकिन अंततः सब भारतवासी, चाहे वो जिस धर्म का हो, यह सबसे बड़ी बात हमारी ही है। यहाँ पे विविध भाषा जाति वंश धर्म के लोग रहते हैं, यह विभिन्न विभिन्न जो भाषिक हैं, जाति है, वंश है, जो धर्म है, ये सब भारतवासी हैं, हमारे विविधता में ही एकता है। ये हम पहले पढ़े हुए बच्चों, आठवीं में, सातवीं में, पांचवीं में शायद एक टॉपिक था, छठवीं में भी, कि विविधता में एकता है, उसका चित्र भी किताब में दिया है, कई धर्म लोग खड़े हैं और उसपे हम देखते हैं, उसका एक पीपीटी मैसेज, एक सेकेंड। विविधता में एकता, भारत जो है वह अनेकता में एकता, अगर हम उसको सरल भाषा में देखें तो हमारे देश में अनेकता में एकता है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि भारत में अनेकता में एकता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि हमें, हमारे सामने जो समस्याएं थी, उन समस्याओं में हमारे देश की जो दरिद्रता थी उस पर वह सबसे बड़ी बात थी। आर्थिक परिस्थिति बहुत बुरी हो गई थी, आर्थिक विकास हमारे सामने एक बहुत बड़ा साध्य था, उसके साथ साथ औद्योगिकरण कहने करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इन तीनों पे हमें आगे बढ़ना था, हमें उस पे विकसित होना था, और ये तीनों चीजें किसी भी देश के लिए बहुत मुख्य रूप से होती हैं। तो औद्योगिकरण की जो प्राथमिकता थी वह हमारे विकास में थी, हमारे देश में जो दरिद्रता थी, गरीबी थी, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा नहीं था, अंग्रेज सब उसे लूट कर ले गए थे, हमारे पास कुछ नहीं रह गया था जब हम आजाद हुए। तो 1960 के बाद ये सारी समस्याएं हमारे सामने थी, समाज का सुधार, गरीब वर्गों के लिए नीतियां बनाना और उन्हें समावेश करना, ये सारी समस्याएं हमारे सामने विकराल रूप से थी आजादी के बाद, जिसमें
हमें विकसित, हमें आगे बढ़ना था, आगे बढ़कर देश को एक सुचारू रूप से चलाने के कार्य करना था। अब आता है कि 1960 का दशक मेन टॉपिक, अरे कुछ चीजें पीछे से अगर बतानी पड़ी तो उसको समझो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीजें उससे सम्मिलित हैं, क्या हो सकता है मेरे दिमाग में आई हो तो इसलिए मैं उसे बता देता हूँ। अब बच्चों 1960 का दशक, 1960 का वर्ष, 1960 के बाद की जो, या 1960 में कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो अगर हम भारत की आजादी और राजनीतिक दृष्टि से देखें और हम उसको अगर समझे, जो हमारी समस्याएं थी उससे, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जब हमारा देश लोकतंत्र हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा देश समावेश हुआ, हमने अपना अधिक अलग संविधान बनाया और हम अपना लोकतंत्र बनाए, एक लोकतंत्र राष्ट्र बना, तो आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक मिनट, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अब भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभावित करने वाली कई घटनाएं जो है 1960 में घटी, जो हमारी भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। बहुत अहम मुद्दा है, चूंकि अभी एक चीज बच्चों आप लोग जरूर जान लें कि हमारे विषय में, हमारे टॉपिक में राजनीतिक व्यवस्था का, राजनीतिक लोकतंत्र, सॉरी नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक शास्त्र भी आ गया है। तो यह समझने के लिए, यह जानने के लिए, नागरिक शास्त्र के साथ साथ हमें हमारी राजनीतिक परिस्थितियों को भी जानना जरूरी है। तो 1960 की जो भारतीय राजनीतिक परिस्थितियां थी वो हमारे देश को बहुत प्रभावित करने वाली थी। उसमें कई घटनाएं घटी, कई प्रकार इसका उथल पुथल हुआ, तो यह 1960 की घटना में सम्मिलित है। तो सबसे पहले एक चीज मैं महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं कि हमारे आजादी के बाद 1960 में जो पुर्तगाली आए थे, क्योंकि ब्रिटिश के साथ साथ पुर्तगाली भी आए थे, पहले वही आए थे, तो ये पुर्तगाली जहां पर थे, जिस राज्य में, जैसे भारत में गोवा, दमन और दीव, ये सब केंद्र शासित हैं अभी इस वक्त, लेकिन जिस समय पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों को वहां से, उनसे आजाद किया गया और गोवा, दमन और द्वीप प्रदेश जो है उसे केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया। ये राज्य पुर्तगालियों के अधिपत्य में थे, अधिपत्य का अर्थ हुआ उनके कब्जे में थे, और उनसे मुक्त कराया गया, उन्हें वहां से हटाया गया। जिस तरह अंग्रेजों का शासन था भारत में, उसी तरह से गोवा, दीव और दमन, यहाँ पर पुर्तगालियों का राज था, जिसे वहां उनसे मुक्त कराया गया, उनके अधिपत्य से, उनके अधिकार से उसे मुक्त कराया गया। जब 1960 में उन्हें मुक्त कराया गया, गोवा, दीव, दमन केंद्र शासित राज्य बने, परीक्षा में आता भी है, खालिस्तान में भी आता है बच्चों, उसे आप लोग इसलिए अगर किताब है तो अंडरलाइन कर लो या उसे याद रखना कि भारत गोवा में किसका अधिपत्य था, या द्वीप में या दमन में किनका अधिपत्य था, तो वहां पे पुर्तगालियों का अधिपत्य था, यह तुम्हें जानना जरूरी है, परीक्षा में एक नंबर के लिए पूछा भी जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं दिमाग में रखनी है। उसके बाद ये तीन, गोवा, दमन, भारतीय संघराज्य के अंग बने, इन्हें भारतीय संघराज्य में सम्मिलित किया गया और मुक्त किया गया पुर्तगालियों से। उसके बाद एक और दूसरी घटना है, जैसे 1960 के पहले दो घटनाएं और हैं जिसका शायद हम इसमें न पढ़े, लेकिन मैं जानने के लिए बता देना चाहता हूं कि 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था, और 1950 के बाद फिर 1953 में एक
काका कालेकर योजना की स्थापना की गई थी। तो ये 1960 के पहले की चीजें बातें हैं, दो चीज 1950-1953, क्योंकि देश को विकसित करना था, आजाद कराना था। तो 1950 में जब हमारा देश गणतंत्र हुआ तो उसके बाद दो बातें हुई थी। 1950 में सबसे पहले भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ, मतलब एक पूरे देश के लिए बनी योजना 1950 में, भारतीय योजना आयोग का गठन। उसके बाद 1953 में उसके ही मद्देनजर जो है काका कालेकर आयोग की स्थापना हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं जो है चलने लगी, धीरे धीरे कौन सी घटनाएं घटी, कैसे कैसे भारत में, जैसे अभी मैंने बताया कि पुर्तगालियों को गोवा, द्वीप और दमन से हटाया गया। अब इसी दशक में वर्ष 1950 में भारत और चीन के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा था, आज भी है, आए दिन समाचार में देखते होंगे कि भारत और चीन की आपसी विवाद किस तरह जो है चल रहा है। वो अपने एक एक इंच से लड़ रहा है, हमारी जमीन को भी वो कब्जा किया हुआ, लेकिन अभी तक वह युद्ध जारी है। कोई बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन सब के समय यह समस्या थी चीन की समस्या। तो वर्ष 1950 में यह समस्या बढ़ती गई, जब हमारा देश आजाद हुआ तो चीन के साथ युद्ध करना, चीन की जो समस्या, जो चीन के साथ समस्याएं थी, उसमें उस समय भारत और चीन का जो है तनाव, मतलब आपसी तनाव इन दो देशों का बढ़ रहा था। और इसी बीच जो चीन के बीच में या ये जो तनाव पैदा हुआ, तनाव की परिणति बनी, अर्थात परिणति बनी मतलब तनाव या युद्ध का अवसर बने, ऐसे समय में जो आगे चल के तनाव बढ़ा वह धीरे धीरे युद्ध का रूप पकड़ते जा रहा था। तो जो भारत, उस समय भारत और चीन का युद्ध भी हुआ, यह युद्ध मैकमोहन क्षेत्र में हुआ, चीन और भारत के बीच में एक जगह, वहां पे मैकमोहन क्षेत्र को कहते हैं, नाम दिया गया है, और वह एक रेखा क्षेत्र है, मतलब जो बीच में पार्टीशन किया गया है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, एक मिनट, भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ उसका पीपीटी, ये नहीं है, उसकी एक पीपीटी, एक मिनट, यह मैंने एक चाइना का, चाइना जो इंडिया के बगल में जो इसका नक्शा है उसके अंदर दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान की तरफ है और फिर चीन कहाँ पर है और फिर इंडिया कहाँ पर है, बराबर। तो यहाँ पे जो मैकमोहन रेखा है, इसके में ध्यान से देखोगे यहाँ पे दिया गया है उस रेखा का नाम कि जिसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। कुछ बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं सीधा पूछ सकते हैं, हाथ रेस किए हुए हैं। तो सर क्लास खत्म होने के समय ही हम लोग पूछ लेंगे सर उनसे। अच्छा चलेगा, नहीं उनका हाथ दिख रहा था सर ना, ऐसा बीच बीच में करते रहते हैं सर वैसा। धन्यवाद सर। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा जो चीन का जो पैराग्राफ, ये सॉरी चित्र है, इसमें वह रेखा या पाकिस्तान और चीन, इस तरह से पाकिस्तान है एक तरफ, हमें दोनों तरफ किस तरह संभालना पड़ता है। अगर ध्यान से देखोगे तो अपने से बाई तरफ क्या कहते हैं पाकिस्तान है, यहाँ की समस्या, और राइट तरफ चाइना, मतलब भारत को इन दोनों के की समस्याएं जो हैं अभी तक चल रही हैं, अभी तक ये समस्याएं चल रही। तो आजादी के बाद से ही ये समस्याएं हमारे सामने हैं जिसके लिए हमें युद्ध करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है,
तो ये तो समस्याएं हमारे तरफ दोनों तरफ हैं। तो सबसे 1950-1962 में मैकमोहन रेखा पे भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, यह एक महत्वपूर्ण घटना हमारे सामने उसमें घटी। अब भारत स्वतंत्र होने के पश्चात, मैंने पहले ही बताया कि भारत की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारत का नेतृत्व किया, किसी के हाथ में नेतृत्व रहना चाहिए। तो वर्तमान समय में, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत का नेतृत्व उन्होंने किया। उसके बाद उस समय हमारी जो विदेश नीतियां थी वो संलग्न नहीं थी, भारत के साथ हमें अन्य देशों से भी अपना लगाव या मित्र राष्ट्र, जिस तरह पहले हमने पढ़ा भी है, तो इसके लिए यह जरूरी था कि हम विदेशी या विदेशी देशों से हमारा व्यवहार, हमारा मान सम्मान उनके साथ भी बना रहे। क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बच्चों याद होगा कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, यह मानवीय नरसंहार बंद हो गया था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ था, जिसको बोलते हैं मानहान का नुकसान हुआ, लोग मर गए। तो ये चीज हमें याद रखना चाहिए कि क्या, जैसे ही भारत की विदेश नीति की बात आती है तो हमें विदेश से संबंध में किस तरह से आपसी व्यवहार पूरे विश्व का बना रहे, क्या किया गया, क्या क्या बना, ये पीछे पड़े भी हैं और याद भी रहना चाहिए, हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें खत्म हो गई थी, सार्वभौम कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, ऐसी व्यवस्था जो है प्रथम और द्वितीय विश्व के बाद बनी, और जहां पे सारी समस्याएं युद्ध से नहीं होंगी, आपसी विचार विमर्श से होंगी, आपसी बात करके होंगी, एक दूसरे की सहायता करके होंगी, जहां पे मनुष्यों को लड़ना नहीं पड़ेगा, मानवीय हानि नहीं होगी, जान नहीं जाएगी, जान माल का नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य के ऊपर लगा हुआ, हमारे एक मनुष्य जो जीवन होता है या देश के ऊपर लगा हुआ कलंक है, जब हम लड़ते हैं, जब हम आपस लड़कर आपसी देश, आपसी राष्ट्र जो है आपस में लड़ते हैं, तो उसमें केवल आम जनता का नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें जो है पहले खत्म हो गई थी। तो भारत की आजादी के बाद जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें एक भारत की विदेश नीति का भी समावेश था, कि भारत की विदेश नीति क्या थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को आगे ले गए, देश के प्रति विदेशों का और हमारा विदेशों का क्या सहयोग रहेगा, उनसा उनका हमारा क्या सहयोग रहेगा, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो, इन सबका विकास होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में उन्होंने भारत की एक एक तथ्य को लेकर आगे गए, और हमारी जो विदेश नीति थी उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया, बहुत बड़ा काम किया, भारत को विदेश यानी कहने का अर्थ का विश्व मंडल, भूमंडलीकरण, विश्व स्तर पर भारत की एक पहचान, भारत के एक नाम, और भारत की जो स्थिति से उससे उभर कर भारत भी आगाज किया था कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है। तो इस तरह से जो भारत की विदेश नीति थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसे आगे लेके गए, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का शिल्पकार कहा जाता है, भारत की विदेश नीति का शिल्पकार कहा जाता है। इसे बच्चों याद रख, ये तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है खाली स्थान में कि भारत की विदेश नीति खाली स्थान कौन है, उसमें तीन नाम दिए रहे, उसमें से तुम्हें चुनना कौन सा है, पंडित जवाहरलाल। और इस तरह से भारत की नीति के, भारत की विदेश नीति के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत की सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा दिया गया योगदान बहुमूल्य है, जिससे सामाजिक आर्थिक और विकास में उनका योगदान रहा है, किस तरह उन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को आगे ले गए। धीरे धीरे भारत
विकसित होता गया उनके कार्यकाल में। उन्होंने श्रम भी किया, उन्होंने काम भी किया। कहा जाता है आजादी के बाद हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास एक सुई भी नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। ऐसे समय में किसी देश को आगे ले जाना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने विदेश नीति और उसके जैसा कि हम लोग पहले बात की विदेश नीति का, तो आगे चलकर उन्होंने सामाजिक आर्थिक और विकास, आर्थिक विकास इन दोनों पर उनका बहुत बहुत बहुमूल्य योगदान है आर्थिक विकास को ले जाने में। और सामाजिक विकास का अर्थ क्या हुआ कि समाज में जो बातें थी जो हमें विघटित करती हैं, हमें खंडित करती हैं, उसका भी निदान उन्होंने किया। ये योगदान जो है 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। और आगे चलकर 3-4 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए, चाहे वह भारत की विदेश नीति को, चाहे भारत की आर्थिक व्यवस्था को हो या फिर सामाजिक, उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाओं को सुधारा जिसमें से आर्थिक और सामाजिक मुख्य रूप था। आर्थिक व्यवस्था में देश में किस तरह से आर्थिक परिस्थितियां सुधरे उनका चलन करना। तो 3 वर्षों के इन कार्यकाल में 1964 में उनका निधन हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1964 में उनका निधन हुआ। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन वह महत्वपूर्ण है, परीक्षा में खालिस्तान में पूछा जाता है, उसमें यह भी एक प्रश्न है। सर 1964 में जो घटना है उसमें 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। समस्याएं बढ़ती गई भारत की इन कार्यकाल में, जहां पे उन्हें आगे भी काम करना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगे देश को विकसित करना था, हर आयाम में विकसित करना था, हर क्षेत्र में विकसित करना था, हर क्षेत्र में आगे ले जाना था, ले गए और करना था, लेकिन इसी बीच में वर्ष 1964 में उनका निधन हो गया। उसके बाद भारत के नए प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत के 1964 के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब समस्याएं उनके सामने भी वही थी कि भारत को हमें विकसित करना है, भारत को आगे ले जाना है। उनका कार्यकाल 9 जून 1964 और जनवरी 11 1966 तक। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। अब अगर हम लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल देखें तो भारत पाकिस्तान, वर्ष 1965 की घटना की चर्चा कर रहे हैं। 64 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। तो समस्या क्या थी, 1965 का जो कार्यकाल था उनके समय का, उसमें भारत और पाकिस्तान और उसके साथ साथ उस बीच में कश्मीर समस्या को लेकर, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर समस्या भी है जो उस समय थी। तो जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई कश्मीर के उस समय हुई, अर्थात पाकिस्तान भी कश्मीर, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर की मांग करता है और भारत से देना नहीं चाहता है। तो इस बात को लेकर, मतलब कश्मीर की समस्या को लेकर उस समय भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध हुआ। किसके लिए हुआ, बहुआ कश्मीर को लेकर। किसके कार्यकाल में हुआ, जानना जरूरी है, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में।
ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो अब इस युद्ध में दो देशों के बीच में सोवियत यूनियन ने जो देशों के युद्ध के लिए समझौता कराया जाता है, युद्ध न हो इसके लिए सोवियत यूनियन की मध्यस्थी हुई। मध्यस्थी मतलब बीच में आना, बीच में बचाव करना, दो देशों के झगड़े के बीच में किस तरह समझौते किए जाए। तो सोवियत यूनियन ने, यहाँ पर निशान लगा सकते हो, याद रखना कि सोवियत यूनियन की जो है उसमें मध्यस्था की गई, सॉरी सोवियत यूनियन ने मध्यस्था किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, जो विवाद है, उसे उस पर चर्चा की जाए, उसे खत्म किया जाए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने देश में और एक नया नारा लगाया। वह नारा था देश में जय जवान जय किसान का। इसके लिए भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा, ये नारा किसका था? लाल बहादुर शास्त्री ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब ये जय जवान जय किसान का जो नारा था, ये चर्चा का विषय है, ये जानने के विषय है। जय जवान जय किसान तो नारा था, हमने कह दिया जय जवान जय किसान, लेकिन ये जय जवान जय किसान के पीछे क्या बात हो सकती थी? शास्त्री जी ने ये नारा क्यों लगवाया था, यह बच्चों तुम्हें जानना जरूरी है, तब जाके उत्तर तुम्हारा बड़ा होगा, तुम्हारी समझ में आएगा और तुम उसको लिख सकते हो। तो जय अब इन घटनाओं के साथ साथ जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, नारा दिया देश को, पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, इसमें उनकी जो भावनाएं थी देश के लिए कि देश में मुख्य रूप से या देश को जवान और किसान यह दो लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं, एक हमें सरहद पर दुश्मनों से, दूसरा सबकी जीविका चलाता है। किसान का जो काम होता है वह पूरे देश के लिए अनाज उगाना, और जवान हमारे जो वीर जवान हैं वह हमें जो हमारे बॉर्डर हैं उस पे हमारी रक्षा करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया कि जो जय जवान जय किसान था, जो भारतीय किसान और जवान थे, उनके महत्व को रेखांकित किया कि किसान का महत्व क्या है और जवान का महत्व क्या है। ये हमारे दो प्रहरी हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं भारत देश की, एक जवान और एक किसान। जैसे जवान सीमा पे दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है कि दुश्मन हमारे सीमा के अंदर घुस न जाए, हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, हमारी जान की रक्षा सैनिक करते हैं, उसी तरह किसान वो अपने खेतों में काम कर अनाज उगाए, और अनाज ही नहीं उगाता है, सोना उगाता है। एक बहुत पुरानी एक पिक्चर है बच्चों उपकार, जिसका नाम है मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ये जो नारा था कहीं कहीं इस नारे से प्रेरित होकर उस समय इस तरह के फिल्में बनी होंगी जो हमारे सामने, हमें उस किसान के महत्व को, उस किसान का जो संघर्ष है, जो जीवन है, किस तरह वो संघर्ष करता है, किस तरह दिन रात श्रम करके अपने बैलों के साथ वह खेत में लगा रहता है, तब जाके पूरे देश को उस अनाज के माध्यम से हमें रोटी मिलती है, और जो कि दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जवान भी गोली खाता है, तो ये रेखांकित इसमें आ जाए। ये दोनों शख्सियत जो है वह
किस तरह से हमारे देश की प्रगति, हमारे देश के विकास, क्योंकि अगर सीमा रेखा पर हमारे नौजवान तैनात हैं सीना तान के, तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता, मतलब हमारा देश सुरक्षित। और यदि किसान अपनी जमीन में दिन रात श्रम करके हीरे रूपी सोने रूपी अनाज को उगाता है, जिससे सभी का पालन पोषण हो, सभी का उदर पालन हो, तब उसके बाद हम जो है अपने देश को विकसित कर सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। तो ये जो शब्द यहाँ पे किताब दिया है, किताब में पढ़ोगे, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे वो शब्द मिले थे कि रेखांकित किया, मतलब वो शब्द जो उसमें लिखा गया है कि जय जवान जय किसान का जब नारा दिया, तो इसी नारे के माध्यम से उन्होंने भारतीय जवान और किसान के महत्व को रेखांकित किया, किताब में लिखा हुआ है। तो क्या महत्व है जवान और किसान का? उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना और थी बच्चों, जय जवान जय किसान का नारा भारत के प्रधानमंत्री उस समय के लाल बहादुर शास्त्री ने सबको दिया, लेकिन आगे चलकर एक दुखद घटना घटी। वह दुखद घटना थी ताशकंद में पंडित जवाहर सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी गए हुए थे, किसी ताशकंद समझौता था या कोई अधिवेशन था ताशकंद समझौते के लिए, और वहां पर वर्ष 1967 में लाल बहादुर शास्त्री का वहां पर निधन हो गया। यह भी तुम्हें याद करने और अपने दिमाग में रखने चीज है कि वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का जो है ताशकंद में निधन हो गया, और ताशकंद समझौते के लिए गए थे, वहां पर उनका निधन हुआ। ये तुम्हारे लिए जाना बहुत जरूरी है। अब इसी कार्यकाल में 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, तो उसके बाद 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। किस तरह से 60 के बाद का जो कार्यकाल था वह किस तरह से संघर्षपूर्ण कार्यकाल था, क्या क्या घटनाएं घटी, जैसे कभी हम चर्चा भी कर रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन, फिर लाल बहादुर शास्त्री का निधन, उसके बीच का जो कार्यकाल था उसमें हमारे देश किस तरह से धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में विकसित होता गया। तो ये जो कार्यकाल था बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल था। इसके बाद भारत की प्रधानमंत्री कौन बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी, एक सशक्त महिला भारत की प्रधानमंत्री, पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। 1964 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। सबसे प्रासंगिक, जिसको बोलते हैं प्रासंगिक तथ्य है कि श्रीमती इंदिरा गांधी महिला थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। अब उनके कार्यकाल में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो उनके काल में भारत के सामने एक बड़ी समस्या थी कि जो पाकिस्तान की दमन नीति थी। अब यहाँ पे हमें दमन नीति समझना जरूरी है, क्योंकि इस पे प्रश्न लिखने के आएगा उत्तर कि पाकिस्तान की दमन नीति क्या है। तो जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, तब उस समय की हमारे देश के एक समस्या थी कि वह थी भारत के सामने जो पाकिस्तान की दमन नीति थी, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इस दमन नीति के समय भारत के सामने समस्या थी, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ। इस दमन नीति के कारण ही पाकिस्तान में आंदोलन हुआ, और यह जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस कार्यकाल में हुआ कि उस दमन नीति का विरोध किया गया। उन्होंने बढ़ चढ़ के विरोध किया, वह सशक्त महिला थी,
हर चुनौती को स्वीकार किया पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान डर गया था, थर्रा गया था। और इसके समय में उन्होंने वह जो दमन नीति का अवलंबन किया है, वह पाकिस्तान के पूर्व, पाकिस्तान के जो पूर्व पाकिस्तानी के प्रति अवलंबन किया गया है। इसके तहत इस आंदोलन जो दमन नीति का आंदोलन हुआ, उस समय इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीम उर रहमान, उनकी जो पार्टी थी मुक्ति सेना, उनके नेतृत्व में, शेख मुजीब उर रहमान के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। अब पूर्व पाकिस्तान की समस्या का परिणाम भारत में भी हुआ, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों शरणार्थी भारत में आए थे। कई बार आप लोग देखे होंगे पत्रों, समाचार पत्रों के माध्यम से, या हम दृश्य के माध्यम से, चाहे वह टीवी हो चाहे अन्य जगह हो, किस तरह से बहुत सारी इस पे फिल्में बनी हुई हैं कि बहुत सारे जो है पूर्व पाकिस्तानी वह लौटकर भारत में आए, बहुत शरणार्थी भारत में। उस समय जो वहां पर आंदोलन हुए, उसकी दमन नीति की, तो बहुत सारे पाकिस्तान से लोग शरणार्थी जो है वो भारत में आए। तो यह कार्यकाल जो था श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल, उसमें इन घटनाएं घटी, और उसमें मुख्य रूप से था पाकिस्तान, उनके कार्यकाल में जो पाकिस्तान के पूर्व पाकिस्तान के प्रति दमन का अवलंबन था, दमन नीति थी, उस पे जो आंदोलन हुए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो पूर्व पाकिस्तान में थे लोग, वह वहां से भागकर भारत में शरण लिए। कई बार इस पे बनी हुई समाचार पत्र में भी या अन्य मास मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखते होंगे तो देखना कि किस तरह से भारत पाकिस्तान की दमन नीति के समय, उसके बाद जो आंदोलन हुआ, तो किस तरह से शरणार्थी जो है वहां पर आए। अब उसके बाद दूसरा कार्यकाल है 1970 का कार्यकाल। वर्ष 1970 का दशक, इसमें सबसे महत्व, धन्यवाद।